लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। भारत ने श्रीलंका को चौथे वनडे में 168 रन से हराते हुए 5 मैचों की वनडे सीरीज में 4-0 की बढ़त ले ली। ये मैच टीम इंडिया के पूर्व कप्तान धोनी के लिए बेहद खास था। ये उनके वनडे करियर का 300वां मैच था। इस मैच में धोनी ने एक बार फिर अपनी मास्टरी साबित करते हुए वाइड बॉल पर भी भारत को विकेट दिला दिया। ये इंसिडेंट श्रीलंका की इनिंग के दौरान तीसरे ओवर में नजर आया, जब 2.4 ओवर में मेजबान टीम का स्कोर बिना विकेट पर 22 रन था। इस दौरान शार्दुल ठाकुर की बॉल पर धोनी ने निरोशो डिकवेला के आउट होने की अपील की। अंपायर ने धोनी की अपील को खारिज कर दिया और लेग साइड में गई इस बॉल को उन्होंने वाइड करार दिया। लेकिन धोनी को अपने कानों पर पूरा यकीन था, उन्होंने विराट को आवाज आने की बात बताई। इसके बाद विराट ने भी बिना देर किए हाथों से टीक का निशान बनाते हुए डिसीजन रिव्यू मांग लिया। अंपायर ने जब रिप्ले में देखा तो ये साफ हो गया कि बॉल डिकवेला के बैट से लगकर गई थी। इसके बाद ग्राउंड अंपायर को अपना फैसला बदलना पड़ा और डिकवेला के रूप में श्रीलंका को पहला झटका लग गया, जिसके बाद एक बार फिर ये बात साबित हो गई कि DRS डिसीजन रिव्यू सिस्टम के मामले में धोनी का कोई मुकाबला नहीं है। ये डेब्यू मैच खेल रहे शार्दुल ठाकुर के वनडे करियर का पहला विकेट रहा।